दादरानगर हवेली में पड़ेला भारे वरसाद ना कारणे खानवेल नजीकना सुरंगी पेतलाद पासेनी महेश्वरी पोलीकेम कंपनीनी दीवाल धराशायी थता दीवालने जोड़े काचू झूपड़ी बनावीने रहता पांच मजूरोना मौत निपजता अरेराटी व्यापी जवा पामी छे। दादरानगर हवेली में पड़ी रहेला भारे वरसादना कारणे दीवाल पड़ता नीचे दबाई गयेला सात जेटला मजूरोने फायर ब्रिगेड द्वारा बहार काढ़ी सेलवासनी विनोबा भावे होस्पिटल में लई जवामां आवता फरज परना तबीबोए राजू यादव अश्विन जयराम बालू काकल जहीर सोमा अने अनिल नामना पांच मजूरों ने मृत जाहिर कर्या था। ज्यारे इजाग्रस्तो बे ने सारवार माटे हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या छे। आ घटनानी जाण थता ज कलेक्टर संदीप कुमार सिंह तात्कालिक घटना स्थले पहोंचीने जानकारी मेळवी हती अने गणतरीना कलाकोमां ज पांचेना मृतदेहना परिवारजनोने रूपिया 4 લાખની सहाय आपवामां आवी हती। कुछ छह एक घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी और किस तरीके से पूरी प्रशासन कार्रवाई में लगी हुई है? ये सुरंगी में है और आप देख सकते हैं कि एक महेश्वरी पॉलीकेम का इनका कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, पीछे में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके लिए ही कल से काम स्टार्ट रीस्टार्ट किया गया, रिज्यूम किया गया था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। तो नाइट में यहाँ पे सो रहे थे तो जिसमें पानी के कारण वो देख रहे हैं दीवार वॉल जो है वॉल गिरने से पांच लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया है और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। तो वे अभी उनका उपचार चल रहा है खानवेल हॉस्पिटल में। यहाँ पे अब हम लगे हुए हैं कि सर कैसे रिलीफ किया जाए एक्चुअली वो। तो ये इंसिडेंट तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमने और इससे हम देखेंगे कि ये जो मुझे जो पहले प्राइमा फेसी जो देखने से लग रहा है कि नेचुरल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है एक्चुअली वो वाटर का। तो एक तो हम लोग सर्वे करवा रहे हैं यहाँ पे नेचुरल फ्लो कहाँ कहाँ से, तो कोतर का एक बार सर्वे करके मैपिंग के थ्रू मैं देखता हूँ और फिर से री एस्टेब्लिश करवाता हूँ एक्चुअली इस एरिया में ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। और प्लस यहाँ पे चूंकि आप देखेंगे नाइट में बहुत तेज़ बारिश हुई है, अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुआ है एक्चुअली वो, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था एट वन टाइम एक्चुअली वो। तो बहुत जगह पे वाटर लॉगिंग एरिया में हमारे खानवेल सब डिवीजन में बहुत जगह से हम लोग जैसे आम्बोली से और कुछ यहाँ सुरंगी से भी, आम्बोली से भी 150 लोगों को हम लोग ने रिलीफ सेंटर में उनको शिफ्ट किया है। तो उनको खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं प्लस जो भी ऐसा इंजरी या अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हो रहा है एक्चुअली वो हुआ है तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन जो भी मिलेगा हम वो सब प्रोसेस करेंगे एक्चुअली वो मिलेगा। लेकिन हमारा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा ध्यान है अभी जोर है। तो सभी लोगों को जो ऐसा वाटर लॉगिंग एरिया में है कुछ और हम देख लेते हैं आइडेंटिफाई करके उनके रिलीफ सेंटर्स में ले जाएंगे, ऊंची एरिया में ले जाएंगे जो हमारे पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में चिन्हित किए हुए हैं, वहाँ पे हम उनको शिफ्ट करेंगे और उनको वहाँ पे रहने का और खाने